पुंछ जिले की वादी कृष्णा में कल दहशतगर्दों की जानिब से एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग के बाद आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बड़ी तादाद में पुलिस और फौजी अहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। इलाके में मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आर्मी पुलिस SOG और CRPF की जानिब से पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में यह मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इलाके में दहशतगर्द मौजूद तो नहीं है। इस इलाके में फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। जंगलों, झाड़ियों और गुफाओं का सहारा लेकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले दहशतगर्द फौजी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। जिन इलाकों में हालिया दिनों छिपकर दहशतगर्दों ने हमले अंजाम दिए, इन इलाकों का News 18 JKLH की टीम ने दौरा करके हालात का जायजा लिया। तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मनीष शर्मा। पुंछ जिले में आतंकियों द्वारा लगातार सैन्य वाहनों पर हमले अंजाम दिए जा रहे हैं और आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा से सटा ये क्षेत्र है और पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में छोटी छोटी जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उनका ही आतंकी लाभ उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो मैं इस समय कैमरे में नहीं दिखा दे रहा हूँ और ऐसे ही आतंकी इन जो छोटी छोटी गुफाएँ हैं, छोटी छोटी जो उनमें छुप कर व्यवहार करते हैं और फिर यहाँ इन्हीं का सहारा लेकर यहाँ से दूसरी जगह निकल जाते हैं। आप देखेंगे कि इसके पीछे अगर आतंकी बैठे हों तो वो नहीं दिखाई देते और ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरह की कितनी ही छोटी छोटी गुफाएं हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनमें आतंकी आराम से छुप जाते हैं और छुपकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ की, जहाँ कल सैन्य वाहन पर गोलीबारी हुई है, इसके साथ ही नीचे रिहायशी इलाका है और सेना की तरफ से पूरा सहम बरता गया, जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि अगर यहाँ पर इस तरह की गोलीबारी शुरू होती है तो जो गाँव के लोग हैं उनको नुकसान हो सकता था, उसको बचाने के लिए ही सेना ने जो है जवाबी कार्रवाई नहीं की। लेकिन आतंकी जो हैं यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ गए हैं और पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। 24 घंटे के करीब होने को आए हैं लेकिन सुरक्षा बल जो हैं उन आतंकियों का पता लगाने के लिए लगे हुए हैं ताकि उनका पता लगाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जंगल और प्राकृतिक गुफाएं जो हैं वो आतंकियों को साथ दे रही हैं और आतंकी इनका ही लाभ उठाकर सैन्य वाहनों पर हमला करते हैं। लेकिन सुरक्षा बल उनकी हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं और